हेलो गाइस, मैं हूँ गुरमीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रीति आर्टवर्क में। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं कैमल कंपनी का स्टूडेंट पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ और मैंने अलग से कलर्स निकाल लिए हैं एक पैलेट पे। ये सारे कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। कलर्स को हम डायरेक्ट बोतल से भी यूज़ कर सकते थे, बट मैंने पैलेट पे इसलिए निकाला है क्योंकि हम वाटर कलर कर रहे हैं, हम पोस्टर कलर नहीं करना चाह रहे हैं। पोस्टर कलर थोड़ा थिक होता है और वाटर कलर थोड़ा वाटर बेस होता है, इसलिए हमें पैलेट चाहिए जिसमें हम कलर को वाटर से अच्छे से मिला के कर सकें। मैं फेबर कैसल के ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ और एक कंटेनर लिया है वाटर के लिए। मैं A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर रही हूँ और पेपर टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि पेंटिंग पे एक अच्छा सा बॉर्डर क्रिएट हो। हमें ब्रश का मिडल साइज लेना है, ना ही बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। हमें कलर को एक एक कोट करके करना है। ये मैं बेसिक कोट कर रही हूँ, इसके बाद और भी कोट होंगे जिससे ये इम्प्रूव होते जाएगा, काफ़ी रियलिस्टिक लगने लग जाएगा। जो फर्स्ट कोट था उसे हमें पूरा फिल करना था और सेकंड कोट को हम नीचे साइड में ज़्यादा डार्क करेंगे और ऊपर साइड थोड़ा लाइट करेंगे। अब मैं डंडी बना रही हूँ, वो एकदम बीचों बीच होगी, जहाँ वाइट पोर्शन है थोड़ा वहीं से स्टार्ट करना है और काफ़ी पतली डंडी होगी और ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, एकदम पतली पतली छोटी सी बनानी है। आपको अगर और भी फ्रूट्स की पेंटिंग देखनी हो तो वीडियो के एंड पे मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। पहला जो कोट था वो पूरा वाटर बेस्ड था, उसमें ज़्यादा वाटर था और कलर कम था। सेकंड कोट में थोड़ा हमें वाटर कम मिलाना है, जो नीचे है वो डार्क कलर हो जाएगा। उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी मिला के ऊपर वाला कोट कर देना है, इससे डार्क और लाइट इफ़ेक्ट आ जाएगा। डंडी बनाने के लिए मैंने स्मॉल साइज़ के ब्रश का यूज़ किया है और वैसे ही हम हाईलाइट प्लेस को भी वैसे ही कलर करेंगे। स्मॉल ब्रश से ही हम कलर करेंगे आउटलाइन। जैसा कि आप देख रहे हो, डंडी पे डार्क शेडिंग हो गया है, तो अब हम बैक पे जो हमने लाइन जो ड्रॉ की थी, पतली सी एक लाइन थी, अब हमें वो कलर करनी है, वो भी डार्क होगी। देखिए मैं कर रही हूँ, डार्क ही कलर करना है, उसे लाइट नहीं करना है। अब हमने जो डार्क कलर किया है, जो आउटलाइन किया है डार्क, उससे सिमिलर कलर करना है। कॉर्नर से हम थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे जिससे एक जैसा इफ़ेक्ट आएगा, मतलब अलग से एकदम डार्क जो हमने आउटलाइन कर दिया था वो एकदम डार्क रह जाएगा, तो अजीब सा लगेगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, कॉर्नर्स थोड़ा डार्क लग रहा है और मिडिल में एकदम लाइट कलर लग रहा है, तो उसको सिमिलर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एप्पल बना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू एंड ग्रीन कलर। मैंने ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क कलर लिया है। हमें दोनों कलर्स को आपस में मिक्स कर लेना है और एकदम लाइट कोड करना है, ज़्यादा वाटर मिक्स करके कलर करना है बैकग्राउंड। एप्पल के अगल बगल हम वाइट पोर्शन छोड़ सकते हैं, ये अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। हम ये कलर को सूखने के बाद भी कर सकते हैं और वेट पेज पे भी कर सकते हैं। अब एक कोट होने के बाद हम ब्लर टाइप का इफ़ेक्ट करेंगे, जिसे बस हमें ब्रश को टैप करना है। अब पेंटिंग ड्राई होने के बाद हमें पेपर टेप हटा देना है। लास्ट लुक ऐसा दिखेगा। अगर आप बनाएंगे इस आर्ट वर्क को तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इसे शेयर करिएगा। मेरे आर्ट के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।